वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध इकाई मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के महासचिव और उनके पदाधिकारी फेडरेशन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 12 सितंबर 2021 को बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी गोमती नगर लखनऊ में आयोजित आकस्मिक आम सभा की बैठक में एमर्जेंट जनरल बॉडी ने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया और एडहॉक समिति का गठन किया। एडहॉक समिति के सदस्य हैं विजय सिंह चौधरी अध्यक्ष, डॉक्टर हरदीप सिंह रुप्पल संयोजक, श्रीमती पूजा पाटीदार, तरदे सजवार महावर, संदीप घाटगे, एसएस चौहान, विजय रावल। ज्ञात हो कि दिनांक 20 अगस्त 2021 को एसी पंडित मेमोरियल हॉल सेक्टर 7 चंडीगढ़ में भारतीय हैंडबॉल संघ की एमरजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एचएफआई अध्यक्ष ए जगमोहन राव ने की। इस बैठक में एचएफआई महासचिव प्रीतपाल सिंह सलूजा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर चर्चा के बाद उनके निलंबन का फैसला लिया गया था। तत्पश्चात 12 सितंबर को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई जनरल बॉडी मीटिंग में मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन एवं ऑफिस बियर्स को भी भंग कर दिया गया। एडहॉक समिति के गठन पर मध्य प्रदेश के सभी जिला संघ के प्रतिनिधि दीपक जैंटीनू, जगदीश जोशी, मोहम्मद इब्राहिम खान, नरेंद्र यादव, राजकुमार सिंगर, पवन शर्मा, बबली ठाकुर, नौशाद अली, प्रदीप परगी, संदीप भंडारी, चमकौर सिंह, दीपक सेंगर, आशीष रघुवंशी, गीता ठाकुर, अर्जुन लांबा, दीपेश पवार, राहुल चित्रे, आशीष गुप्ते, पंकज पांडे, सूरज यादव और अन्य ने बधाई दी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।